और सच की जीत हो चुका है। सच मतलब अर्णव भाई है। अर्णव जी के लिए भारत के न्यायमूर्ति, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की वो आवाज कायम की है कि अब के बाद कोई भी किसी पत्रकार की आवाज को दबा नहीं सकेगा। परमवीर सिंह जैसे अफसरों को बर्खास्त करना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अभी तो पहला किला जीता है, अभी तो उस नवाब मंत्री को अंदर करवाना है, परमवीर को अंदर करवाना है जिसने टॉर्चर और जातियां की हैं। आज दिवाली से पहले एक और दिवाली है और ये दिवाली इसलिए मनाई जा रही है कि आज देश में एक नया उजाला सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तुम कितना भी अत्याचार कर लो, तुम कितना भी पावर का मिसयूज कर लो, कितना भी संविधानों का मजाक उड़ा लो, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। सर आपने देखा, आपको पता ही है कि रिहाई मिल चुकी है अर्णव गोस्वामी के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ उन्हें रिहाई दी है, दूसरी तरफ फटकार लगाई है महाराष्ट्र सरकार को। देखिए, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तब से लेकर आज तक, यदि आप उन तमाम इवेंट्स को याद करें जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कितनी तल्ख टिप्पणियां करी हैं, यदि उन सारी टिप्पणियों को, उन सारे प्रोसेस को लेकर मैं आपके चैनल पर बैठ जाऊं और मैं देश की जनता के सामने उनको पढ़कर सुनाना शुरू करूं, तो देश की जनता जान जाएगी कि महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने का काम कितने महीनों से चल रहा है। और जिस प्रकार से आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, चाहे वो वहाँ की हाई कोर्ट के लिए हो, चाहे वहाँ की पुलिस के लिए हो और चाहे वहाँ की सरकार के लिए हो, ये निश्चित रूप से आज एक बहुत बड़ी जीत है। आज जंतर मंतर पर आप जो लोगों के बीच में उत्साह देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन मोड पर हैं, आज सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं, देश के तमाम जगहों पर जहाँ लोग अर्णव गोस्वामी के समर्थन में जो है प्रदर्शन कर रहे थे, आज देश के तमाम शहरों में जो है एक उत्साह का माहौल है, एक जश्न का माहौल है और दिवाली की पूर्व संध्या पर एक नई दिवाली मनाई जा रही है। और आज निश्चित रूप से 10 जनपद से लेकर मातोश्री और शरद पवार के घर पे आज मातम पसरा होगा कि किस प्रकार से जो है देश की सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी कर दी। क्योंकि देश की जनता के अंदर एक सवाल था कि महाराष्ट्र की सरकार, सुना है कि हर जज को 50,000 रुपये का एक जो है इंसेंटिव देती है, चश्मे का इंसेंटिव, तो देश की जनता के मन में ये सवाल था कि कहीं जो है बॉम्बे हाई कोर्ट और वहाँ की तमाम निचली कोर्ट के जजों ने कहीं वही 50,000 वाला चश्मा तो नहीं पहन लिया जो अर्णव गोस्वामी को जो है एक ऐसे झूठे केस में पुलिसिया बर्बरता के जो तमाम पराकाष्ठाएँ वहाँ पार हो गई, वहाँ पिछले एक हफ्ते से जो है उनको फुटबॉल की तरह जो है घुमा रही थी। और जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी दी है, उन्होंने कहा है कि आप लोग अपनी हदों के अंदर रहें, नहीं तो जो है देश के अंदर एक विनाश का रास्ता खुल जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी है और यदि वो सारी की सारी टिप्पणियां पढ़ के सुना दी जाएं, तो मैं बता दूं आज देश की जनता समझ जाएगी कि आज देश के अंदर जो लोग इस देश के अंदर जो है अभिव्यक्ति की आजादी, इनटॉलरेंस और जो अवार्ड वापसी गैंग जो किलो किलो के अवार्ड वापस किया करता था, आज वो लोग कैसे एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि जब अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार हो रहे थे तो अर्णव गोस्वामी के समर्थन में इस देश की जनता और राष्ट्रवादी सोच के लोग ही सड़कों पर उतरे थे और कुछ लोग तो जो है अपने घरों में बैठकर वाइन के ग्लास के साथ जश्न मना रहे थे। तो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो जनता का विश्वास बहाली का जो काम देश की सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर एक जश्न का माहौल है। आज जो फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी भी कही गई थी जजों की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज अगर इन सारी चीजों पर चर्चा नहीं हुई तो देश एक अलग ही दिशा में चला जाएगा। इन सारी चीजों के बाद आज अर्णव को रिहाई भी मिल गई है। तो आंसर, और आपने देखा होगा कि जो उद्धव ठाकरे और उनकी पुलिस के जो मंसूबे थे, वो तो पूरी तरह से पानी फिर चुका उनके ऊपर। देखिए, उनका पानी फिरना लाजमी था। क्यों? क्योंकि अभी आपने कल एक खबर सुनी होगी कि एक बहुत बड़े वकील साहब जो है वो इस बात पर टिप्पणी करते पाए गए कि सुप्रीम कोर्ट में तो और भी केस लिस्टेड हैं, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट जगह क्यों नहीं दे रही है। तो एक इतना बड़ा इकोसिस्टम अर्णव गोस्वामी को रोकने के लिए काम कर रहा था, एक बहुत बड़ा कार्टल जो है अर्णव गोस्वामी को रोकने के लिए काम कर रहा था, और बताया तो इतना भी जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी के चैनल को बंद कराने के लिए एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने 500 करोड़ की सुपारी दी थी। अब सवाल ये है कि सुपारी किसने दी थी और सुपारी किसको दी थी। अगर इसी प्रकार से
देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गला घोटने का काम चलता रहा और देश की तमाम कोर्टें जो है मूक दर्शक बनकर खड़ी रहीं, तो देश की जनता न्याय मांगने कहां जाएगी। तो देश की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज इसी ओर इशारा करती है कि चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे तमाम वो निचली अदालतें हों, उन लोगों को जो है एक राजनीतिक बायसनेस से बाहर आकर जो है कानूनी किताब के अनुसार चलना। सर, ये जो अर्णव रिहा हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हो गई है उनकी, पर ये दिया हाथ में, सर मुझे इसका मतलब बता दीजिए। देखिए, आज दिवाली से पहले एक और दिवाली है और ये दिवाली इसलिए मनाई जा रही है कि आज देश में एक नया उजाला सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तुम कितना भी अत्याचार कर लो, तुम कितना भी पावर का मिसयूज कर लो, कितना भी संविधानों का मजाक उड़ा लो, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। झटका भी लगा होगा उद्धव ठाकरे को, क्या हालत होगी उनकी अब? उद्धव ठाकरे के मुंह पे ना दोनों तरफ से एक तमाचा है, एक तरफ से जनता का तमाचा है और एक तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट का तमाचा है, और वो तमाचे की गूंज ना उसको पूरे 4-5 साल जब तक इलेक्शन नहीं होते ना ये दिखाई देती रहेगी। देखिए, हमारे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय बैठी हुई है, उसको ये सोचना चाहिए, उसका ये तानाशाही नहीं चलेगी। उद्धव, तेरी तानाशाही नहीं चली है, किसी की नहीं चली, सोनिया की नहीं चली, किसी की नहीं चली, तो तेरी कहां से चलेगी? जीत हो चुकी है, अर्णव जी की रिहाई मिल चुकी है, कैसा लग रहा है आपको? आज पूछता है भारत फिर से दोबारा होगा और सच की जीत हो चुका है, सच मतलब अर्णव भाई है, और आज फिर से डिबेट होगा, रिया जो ड्रग्स के मामले में फिर से दोबारा वही न्यूज होगा, सुशांत को किसने मारा है पूछता है भारत, पालघर में साधुओं को किसने मारा है पूछता है भारत। अर्णव जी की रिहाई हो गई, कैसा फील हो रहा है? ऑल वर्ल्ड में अर्णव भाई के ऊपर आशीर्वाद था, तो आज हम बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है सर? इतना अच्छा लग रहा है कि सारा जमाने में हर जगह हर समय दिल में आवाज अर्णव जी के लिए, भारत के न्यायमूर्ति, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की वो आवाज कायम की है कि अब के बाद कोई भी किसी पत्रकार की आवाज को दबा नहीं सकेगा। कैसा लग रहा है मैडम, जीत गए हैं अर्णव गोस्वामी जी? This is everybody's victory, not just ours. This is everybody's victory. Who has the courage to ask questions? You cannot suppress a voice that wants to know, that seeks knowledge. That's why today is actually true Diwali, because today we have been able to defeat evil, and it is the victory of the righteousness. That's why it's truly happy Diwali. And Arnab's victory is very symbolic, actually. His victory is not just his own, and I wish Republic and his entire team, I really salute them. I wish them a very good Diwali, and keep it up. And everybody, not just journalists, but everybody in every sphere of life must keep asking questions. You cannot suppress the voice. How does it feel, madam? Very good. And I want to tell Uddhav Thackeray that Sushant will get justice. देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं उसका स्वागत करता हूं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ट्रेलर जारी किया है उसकी आप जश्न देख सकते हैं, बहुत बड़ा जश्न है। तमाम देशवासियों में दीपावली आज ही मनाई जा रही है, ये पहली दीपावली है और दूसरी भी बनाएंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रेलर दिया है उस ट्रेलर के बाद असली मूवी अर्णव गोस्वामी ही रिलीज करे। ऐसा लग रहा है आज, आज हम दिवाली मना रहे हैं, आज ये सत्य की जीत है, देश के देशवासियों की जीत है, ये सारा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, अर्णव जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने से कोई भी देशवासी खुश नहीं है। महाराष्ट्र सरकार से परमवीर सिंह जैसे अफसरों को बर्खास्त करना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, अब नकली नेता नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जीत हो चुकी है अर्णव जी की, कैसा लग रहा है? जीत हो चुकी नहीं है, अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है, अभी तो पहला किला जीता है, अभी तो उस नवाब मंत्री को अंदर करवाना है, परमवीर को अंदर करवाना है जिसने टॉर्चर और जातियां की है, अभी तो शुरुआत है। जिस तरीके से आज अर्णव जी की जो कोर्ट में फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है उद्धव ठाकरे की सरकार को, वो जो फटकार लगाई है ना, अगर इनमें शर्म है तो आत्महत्या कर ले जाकर के। की चीजें हैं, आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे को कैसा फील हो रहा होगा? आप देख ही रहे हैं सब लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या खुशी है आज। जीत अर्णव गोस्वामी के साथ तमाम जनता की भी हुई है, जनता की नहीं, आज राष्ट्रवाद की जीत हुई है, आज स्वतंत्रताओं की जीत हुई है, आज पाकिस्तानियों की हार हुई है,
आज देश के गद्दारों की हार हुई है। आज देश पे शासन करने वाले तीन परिवारों की सामंतों की हार हुई है। तमाम तरीके की चीजें थी जो एजेंडे चलाए जा रहे थे, कैसा जो सब पे पानी फिर चुका है अब तो? अभी पानी और फिरा नहीं है, अभी इस पानी को अरब की खाड़ी में फेंकना है ले जाके। कैसा फील हो रहा आंटी? एक नंबर का गुड काम होगा हमारा। मेरा जो बाबूजी है शिवसेना उसके ऊपर, जो अपने फौज के ऊपर, उसकी बहुत मेहरबानी। और हाँ, जीत गए हम। उद्धव ठाकरे जी को कैसा लग रहा होगा, कैसा फील कर? ठाकरे तो फ्रॉड आदमी है, बेफूक आदमी है, वो तो समझ लो ये तो एक आवारा पार्टी का बंदा है। उसको आवारे की कहीं औखत नहीं चली, चाहे कितना भी किच्चर डाल दे, वो किच्चर में से निकला हुआ वो किच्चर में रहेगा। धन्यवाद मैडम। इसको किच्चर का बंदा। अभी शेर को दहाड़ मारना बाकी है।